Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर के बेस पर क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये है पार्ट सेकंड वीडियो, जिसके अंदर हम कुछ डिटेल्ड में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न में कुछ हमने क्वेश्चन देखे थे, जो हमने आपके मॉड्यूल से या फिर दूसरी जगह से थोड़ा ट्विस्ट करके उनको अच्छा बनाया था। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करके जितने पॉसिबल होंगे उतने क्वेश्चन कवर करेंगे और उनको हम यहाँ पर प्रोविजंस के साथ में रिवाइज भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ITC चैप्टर में GST के अंदर ये सेकंड वीडियो फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। आप कहेंगे पहला क्वेश्चन नंबर 9 कैसे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने 8 तक सब कुछ कवर कर लिया है, उसके आगे के कंटिन्यू किया जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। आइए देखते हैं। कैन अ पर्सन टेक ITC विदाउट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई अलॉन्ग विथ टैक्स टू द सप्लायर। इनका कहना है, सप्लायर है, रिसिपियंट है, सप्लायर ने रिसिपियंट को कुछ भी या तो गुड्स दिए होंगे या फिर सर्विसेज का सप्लाई किया होगा, विच एवर मे बी द केस। तो इनका कहना है, क्या कोई भी रिसिपियंट जो है यानी कि कोई भी पर्सन है वो ITC ले सकता है क्या? अब ये जो पर्सन है, ही इज सपोज टू पे सप्लायर अमाउंट प्लस टैक्स, यानी कि जो उसका कंसिडरेशन है उसके साथ में टैक्स को ऐड करके इतना अमाउंट इस रिसिपियंट को, इस सप्लायर को पे करना होगा। सो इनका कहना है क्वेश्चन वालों का, कि अगर ये ऐसा ना करे तो मतलब कि इसने कंसिडरेशन दिया ही नहीं है, टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, तो भी क्या ये पर्सन ITC ले सकता है क्या? मतलब कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है क्या? इसने अभी तक टैक्स पे ही नहीं किया है तो फिर ये ITC कैसे क्लेम करेगा? बट इसका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका आंसर है यस। ये ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि एक्ट के अंदर एक टाइम लिमिट फिक्स की गई है कि ये जो पर्सन है वो ITC क्लेम कर सकता है, उसने पेमेंट नहीं किया है तो भी वो कर सकता है। सो यहाँ पर एक्ट ऐसा कहता है कि यस, इस पर्सन ने अभी तक टैक्स पेमेंट नहीं किया है, कंसिडरेशन पे नहीं किया है, तो भी वो ITC इसलिए ले रहा है क्योंकि एक्ट ने एक ऐसा टाइम लिमिट फिक्स कर दिया है। और ये टाइम लिमिट क्या है दोस्तों? ये है 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। मतलब कि इनवॉइस बना, उसके अगर 180 days के अंदर अंदर वो अगर पेमेंट नहीं करता है तो फिर उसने जो ITC लिया है उसको उसे रिवर्स करना पड़ेगा। तो इतना डिटेल में अगर आप नहीं जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिना टैक्स का पेमेंट करे, कंसिडरेशन का पेमेंट करे, उसे यहाँ पर ITC भी नहीं मिलेगा। बट हकीकत क्या है? यहाँ पर हकीकत ये है सेक्शन नंबर 16 के हिसाब से कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो भी आप ITC ले लीजिए। बट कब तक नहीं करोगे? आपके पास में सिर्फ 180 days है, इनवॉइस के 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देना टैक्स के साथ में। अगर नहीं किया तो फिर जो ITC लिया था ना वो रिवर्स हो जाएगा। सिर्फ रिवर्स होगा क्या, इंटरेस्ट भी लगेगा आपके ऊपर। तो ये अगर आपको नहीं करना है तो 180 डेज की मोहलत आपको दी गई है, उसमें आप पेमेंट कर दीजिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक थोड़ा अलग हट के क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। इसको आप अच्छे से देखिएगा और इसका आंसर फ्रेम करिएगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए देखते हैं, व्हाट इज द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का आप सप्लाई कर रहे हैं बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैड टेकन ITC ऑन सच कैपिटल गुड्स। ओहो, मतलब इसको हम एग्जांपल के साथ में समझते हैं। तो ये भाई साहब है जिनकी फैक्ट्री है शूज बनाने की। ये शूज बनाने की फैक्ट्री के लिए इन्होंने एक बड़ी सी मशीन खरीदी है। ये इन्होंने मशीन खरीदी तो ये इनके लिए कैपिटल गुड हो गया, ये एक तरीके से इनके लिए इनपुट भी हो गया। तो इनवर्ट सप्लाई हुआ CG का, तो इस पे इन्होंने जो टैक्स पे किया है उसका उन्होंने ITC भी ले लिया। इनका जो ITC है वो कैसे यूज किया जाता है? कैपिटल गुड्स की लाइफ ली जाती है 5 years की, मतलब कि 60 months की। तो हर मंथ के हिसाब से ITC कैलकुलेट करके ईच मंथ की अपनी लाइबिलिटी ये कम करते गए।
अब दोस्तों क्या हो रहा है, हर महीने की लाइबिलिटी उन्होंने कम कर ली, जो टैक्स दिया है उसका फायदा भी लेते गए और ITC ले लिया। अब इन्होंने इस मशीन को आगे सप्लाई कर दिया, यानी कि बेच दिया। तो इस सप्लाई करने को क्या हुआ, गड़बड़ क्या होगा, गवर्नमेंट बोलेगी कि आपने ये मशीन खरीदी थी आपका बिज़नेस चलाने के लिए, शूज़ बनाने के लिए, तो हमने आपको बोला कि आपने अपने बिज़नेस के लिए कुछ ख़रीदा है तो उस पर अगर आपने कुछ टैक्स दिया है तो आप ITC ले लीजिए, अपनी लाइबिलिटी कम कर लीजिए फ्यूचर की। आप तो इस मशीन को बेच रहे हो वापस, तो हमारे लिए तो सप्लाई हो गया, हर फ्रेश सप्लाई पर GST लगता है, तो आपको GST पे करना पड़ेगा। तो फिर गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न निकाला, इन्होंने ये प्रोविज़न निकाला कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने ITC ले लिया है, SECG को वो वापस से फ्यूचर में सप्लाई कर रहा है, बेच रहा है, तो उसको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। वो अमाउंट क्या है, जितने क्वार्टर्स या फिर पार्ट ऑफ द क्वार्टर्स उसने उस मशीन को यूज़ किया है, तो हर क्वार्टर का 5% माइनस करते जाओ, जो अमाउंट बचेगा वो, और जो भी आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू है सप्लाई की, इनटू परसेंटेज ऑफ GST जो अमाउंट आएगा वो, इन दोनों में से विच एवर इज़ हायर, वो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने 4 क्वार्टर के लिए यूज़ किया है, लेट से 10 लाख की मशीन, 1 लाख का टैक्स, 11 लाख की मशीन, 1 लाख का ITC रखा हुआ था, 4 क्वार्टर आप उसको यूज़ कर चुके हैं, 4 क्वार्टर के हिसाब से हो जाता है 20%, तो ये आपकी 1 लाख का अवेलेबल आपके पास में है 80,000। तो या तो आप 80,000 पेमेंट करिए, या फिर लेट से आपने ये मशीन बेची है 8 लाख रुपए में और 18% का टैक्स लगता है, इस हिसाब से आपको जो पेमेंट करना होगा वो होगा 1,44,000 का, यानी कि 1,44,000 का। इन दोनों में से जो भी हाईएस्ट है वो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, 144 टू द गवर्नमेंट जो आपने सप्लाई किया है उतना आप GST और पे कीजिए, सीधी सी बात है। सो क्वेश्चन नंबर 10 अगर ये आपसे पूछ रहा था कि क्या टैक्स इम्प्लीकेशन होंगे, तो टैक्स इम्प्लीकेशन हमने आपको बता दिया है ये कि कैपिटल गुड को अगर आप कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 18 को आप यहाँ पर बिल्कुल बताइए, उसका सबसेक्शन नंबर 6 लिखिए और बताइए उसके हिसाब से ये प्रोविज़न है। अगर आप ये लिखेंगे, इतना सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, एग्जांपल लिखेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब फ्लाइंग स्कूल इम्पोर्ट, फ्लाइंग स्कूल मतलब उड़ने वाला स्कूल नहीं है, एक ऐसा स्कूल है जो फ्लाइंग की ट्रेनिंग देता है, यानी कि एयरप्लेन को चलाने की ट्रेनिंग देता है। इम्पोर्ट्स एन एयरक्राफ्ट फॉर यूज इन इट्स ट्रेनिंग एक्टिविटी एंड टेक्स ITC ऑफ द IGST पेड ऑन द इम्पोर्ट। तो वो जो ट्रेनिंग स्कूल है उसने बाहर से, इंडिया के बाहर से एक एरोप्लेन को उसने इम्पोर्ट किया है और उसके ऊपर जो उसने IGST दिया था उसको उसने ITC जैसे यूज़ कर लिया है, ठीक है, तो दिक्कत क्या हो रही है इसमें। द डिपार्टमेंटल ऑडिट रेजेज एन ऑब्जेक्शन दैट एयरक्राफ्ट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ कन्वेंस इन सेक्शन 234 ऑफ द एक्ट एंड दैट ITC इज नॉट अलाउड ऑन कन्वेंसेस। मतलब कि उनका कहना है कि कन्वेंस की डेफिनेशन के अंदर वेसल्स और एयरक्राफ्ट को इंक्लूड किया गया है, और अगर आप देखें GST की नेगेटिव लिस्ट देखेंगे आप, जो दी गई है सेक्शन 17 सबसेक्शन नंबर 5 के अंदर, जिसे हम कहते हैं ब्लॉक्ड क्रेडिट। तो दोस्तों सेक्शन नंबर 17 में 5 के अंदर ब्लॉक्ड क्रेडिट नाम की एक चीज़ बताई गई है। यहाँ पर बताया गया है कि इसके अंदर लिस्ट में जिस किसी का भी नाम होगा उसके अगेंस्ट हमको ITC नहीं मिलेगा। और सबसे पहला पॉइंट जो है ए पॉइंट है 17.5A, वो बात करता है मोटर व्हीकल्स और कन्वेंसेस, इनका आपको ITC नहीं मिलेगा। बट इसके लिए क्रिएट किए गए हैं एक्सेप्शंस, और वो एक्सेप्शंस क्या बोलते हैं, अगर मोटर व्हीकल्स को या कन्वेंसेस को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए, फर्दर सप्लाई के लिए या फिर ट्रेनिंग देने के लिए अगर यूज़ किया जाता है तो फिर ITC मिल जाएगा। सो अगर इन चारों में से किसी भी चीज़ के लिए मोटर व्हीकल को या कन्वेंसेस को यूज़ किया जाता है तो फिर आपको ITC मिलेगा। इन आर सिचुएशन यस, कन्वेंस में एयरक्राफ्ट आता है, कन्वेंस में एयरक्राफ्ट आता है, उसके बावजूद भी ये जो ट्रेनिंग स्कूल है, तो ट्रेनिंग स्कूल अगर एयरक्राफ्ट खरीद भी रहा है तो वो ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर रहा है ना, तो उसमें इसका जो इनवर्ड है और जो इसका आउटवर्ड है,
दोनों का जो यहाँ पर नेचर ऑफ सप्लाई है वो सेम होने की वजह से यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑडिट का कहना गलत हो जाएगा और इनको पूरा फुल ITC यहाँ पर मिलेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमने डिस्कस किया है सेक्शन 17(5) में एक ब्लॉक्ड क्रेडिट को, जो सबसे पहला ब्लॉक क्रेडिट है मोटर व्हीकल एंड कन्वेंस को, उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, प्रोविजन पूरा समझा है। इसी तरीके से आप इसको फ्लो में लिख के आ सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 12 भी थोड़ा इसी चीज़ को जो 11 में आपने देखा है मोटर व्हीकल और कन्वेंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है, देखते हैं वो क्या बोल रहा है। अ टैक्सेबल पर्सन इज इन द बिजनेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये कंपनी है, IT कंपनी है, लेट्स से TCS, क्या कर रहा है, ही बाइज अ मोटर व्हीकल फॉर यूज ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अच्छा, तो ये जो TCS है उसको अपने डायरेक्टर्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसने खरीदी है एक मोटर व्हीकल, यानी कि कार खरीदी, चलिए आप इसको समझ लीजिए एक मर्सिडीज खरीदी है। नाउ कैन ही अवेल द ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ GST पेड ऑन परचेज ऑफ सच मोटर व्हीकल। तो अगर ये 40 लाख की उसने मर्सिडीज खरीदी है, उस पर उसने 3 लाख रुपए का GST दिया है, इस 3 लाख रुपए का GST पे क्या उसको ITC मिलेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सो दोस्तों, इसमें पिछले क्वेश्चन से कनेक्शन कैसे है, हमने देखा था कि मोटर व्हीकल और कन्वेंसेस को नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है, बट उसके एक्सेप्शंस में एक एक्सेप्शन था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स ही तो हो रहा है सर, डायरेक्टर्स को वो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए दे रहा है, तो ITC उसको मिलना चाहिए, यस। बट यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स में डायरेक्टर्स तो उसके एम्प्लॉयज़ है ना, तो एम्प्लॉय के लिए, डायरेक्टर के लिए, अगर पर्सनल यूज के लिए जो कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करती है वो मोटर व्हीकल खरीद रही है, तो इनवर्ड और आउटवर्ड कैसे सेम हो सकता है, नहीं हो रहा है, वो ना ही एक्सेप्शन की कैटेगरी में फिट बैठ रहा है, ना ही उसने फर्दर सेल के लिए खरीदा है और ना ही उससे वो ट्रेनिंग कर रहा है, तो एक्सेप्शन के केसेस में तो आता नहीं है। तो यहाँ पर ये जो मोटर व्हीकल को परचेज किया जा रहा है डायरेक्टर्स के लिए, एक ITI कंपनी जो ये परचेज कर रही है उसको इसका ITC नहीं मिलेगा। सेक्शन 17(5)(a) को आप यहाँ पर भी कोट कर सकते हैं और आपका आंसर बना के आ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 के साथ में ही हमने क्वेश्चन नंबर 12 को भी थोड़ा सा एक्सटेंड करके समझा है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, अ टेक्निकल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, एक एजेंसी है वो टेस्ट करती है और सर्टिफाई करती है क्या, ईच बैच ऑफ मशीन टूल्स बिफोर डिस्पैच बाय BMT लिमिटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक BMT लिमिटेड कंपनी है, एक एजेंसी है, ये एजेंसी टेस्ट करने की सर्विसेज BMT को प्रोवाइड करती है, और आगे BMT क्या करती है, इन मशीन टूल्स को जो टेस्ट हो जाते हैं उनको डिस्पैच करती है टू अ यूनिट इन अ SEZ, मतलब एक SEZ यूनिट को वो मशीन टूल्स प्रोवाइड करती है विदाउट पेमेंट ऑफ GST। मतलब यहाँ पर GST का कोई पेमेंट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि SEZ जो है वो एग्जम्प्ट के अंदर आता है एज दिस सप्लाई आर नॉन टैक्सेबल। मतलब SEZ एग्जम्प्ट के अंदर आता है इस रीज़न की वजह से, नहीं, जो ये सप्लाईज भेजे जा रहे हैं टूल्स वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, इसलिए उसके ऊपर GST नहीं लगाया जाता है, ठीक है। Now, BMT Limited wants to know whether reversal of ITC on the testing agency services to the extent attributable to the SEZ supplies required. इसका कहना है कि यहाँ पे ये जो हम टेस्ट करके आपको दे रहे हैं और ये टूल्स आप आगे बेच रहे हो, मतलब इनपुट तो आप हमसे ले रहे हो और आगे उसको यूज़ किसके लिए कर रहे हो, एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए, तो क्या इस एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए जो भी इनपुट यूज़ किया गया है उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर हम क्या रिवर्स करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। सो दोस्तों यहाँ पर अगर हम कंबाइंड रीडिंग करेंगे किसकी, सेक्शन 16 की और सेक्शन 17 की, सो वी विल कम टू नो कि हमको ITC किसका मिलता है और किसका नहीं मिलता है। अगर आप कोई टैक्सेबल सप्लाई के लिए इनपुट यूज़ कर रहे हो That includes zero rated supply also, तो आपको ITC मिलेगा। अगर आप नॉन बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हो तो आपको ITC नहीं मिलेगा। अगर आप exempt के लिए कर रहे हो तो आपको ITC नहीं मिलेगा। Now, ZRS में क्या include होता है, zero rated supply में include होता है exports, और जो आप SEZ unit को सामान बेचते हो वो भी इसके अंदर include होता है,
सो इससे तो हमको ये समझ में आता है कि अगर आपने SEZ यूनिट को कोई भी सामान बेचा है तो उसका ITC आपको मिलना चाहिए और इनका आपको ITC नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर एजेंसी सर्विस जो भी टेस्टिंग सर्विसेज दे रहा है BMT को, और BMT उसको फिर आगे भेज रहा है SEZ यूनिट को। तो SEZ यूनिट को अगर आप कुछ भी बेच रहे हो तो वो आपका किस में आता है, वो ZRS में आता है और टैक्सेबल के साथ में आता है। मतलब इसका 100% ITC आपको मिलना चाहिए एजेंसी सर्विस जो आपने यूज़ करी है फॉर प्रोवाइडिंग दीज टूल्स टू अ SEZ यूनिट। सो इसके हिसाब से तो हमें ये पता चलता है यहाँ पे कि अगर कोई भी सर्विसेज आपने यूज़ करी है SEZ यूनिट को कोई भी सामान बेचने के लिए तो वो ZRS के अंदर आता है और वो टैक्सेबल होता है। उसी कारण यहाँ पर अगर आप कोई इनपुट यूज़ कर भी रहे हो तो आपको फुल 100% ITC मिलेगा। सो यहाँ पर रिवर्सल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और हमारा आंसर रहेगा सेक्शन 16+17 के हिसाब से दैट एजेंसी सर्विसेज जो भी आप यूज़ कर रहे हैं फॉर SEZ सप्लाइज ऑल्सो, उस पर आपको 100% फुल ITC मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 13 फॉर अस। लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 एंड 15। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आइए देखते हैं, थोड़ा सॉल्व करने जैसा क्वेश्चन है। अ गारमेंट फैक्ट्री रिसीव्स अ गवर्नमेंट ऑर्डर फॉर मेकिंग यूनिफॉर्म्स फॉर अ कमांडो यूनिट। तो एक गारमेंट फैक्ट्री है, उसको एक ऑर्डर मिला किससे, गवर्नमेंट से। उन्होंने बोला है कि आपको यूनिफॉर्म बनानी है। किसके लिए यूनिफॉर्म बनानी है आपको, आपको यूनिफॉर्म बनानी है कमांडो यूनिट के लिए। दिस सप्लाई इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर अ स्पेशल नोटिफिकेशन। और ये जो सप्लाई है किसका, ये जो गारमेंट बनाने का है, इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। द फैब्रिक इज सेपरेटली प्रोक्योर्ड फॉर द सप्लाई बट थ्रेड एंड लाइनिंग मटेरियल फॉर द कॉलर्स आर द वंस विच आर यूज्ड फॉर अदर टैक्सेबल प्रोडक्ट्स ऑफ द फैक्ट्री। अब ये जो फैक्ट्री है ये सिर्फ गवर्नमेंट के सप्लाई के लिए काम कर रही है क्या, जो गारमेंट उन्होंने बनाने के लिए बोले, नहीं, ये तो टैक्सेबल भी बनाती है और एग्जम्प्ट भी बनाती है। एग्जम्प्ट में यहाँ पर क्या आ गया है, एग्जम्प्ट में आ गया है यूनिफॉर्म। तो इन दोनों के लिए अलग अलग इनपुट लग रहे होंगे, तो इन्होंने बोला है कि इन दोनों के लिए जो इनपुट लग रहे हैं फैब्रिक के, वो तो अलग अलग लाया जा रहा है एक्सक्लूसिव तरीके से, ठीक है। सो एग्जम्प्ट का फैब्रिक तो एक्सक्लूसिवली लाया जा रहा है, बट थ्रेड और लाइनिंग मटेरियल जो कॉलर का है वो टैक्सेबल के लिए और एग्जम्प्ट के लिए सेम ही यूज किया जा रहा है। मतलब कि ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कॉमन क्रेडिट, ठीक है। अब इन्होंने हमको टर्नओवर की यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है दैट द टर्नओवर फॉर अदर प्रोडक्ट्स, अदर प्रोडक्ट्स मतलब क्या है, अदर प्रोडक्ट्स है जो दूसरे टैक्सेबल प्रोडक्ट्स है वो, तो टी लिख देता हूँ मैं, इस 4 crores एंड एग्जम्प्टेड यानी जो यूनिफॉर्म वाला है वो है 1 crores इन मंथ ऑफ जुलाई। एंड ITC कितना पड़ा हुआ है हमारे पास में, थ्रेड और लाइनिंग का जो हमारा कॉमन क्रेडिट है वो रखा हुआ है 5,000 रुपये का और 15,000 रुपये का, मतलब टोटल 20,000 रुपीज़ का। हमसे पूछा गया है कि इस 20,000 में एलिजिबल कितना है और इन एलिजिबल कितना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें दिया गया है, एग्जम्प्ट भी दिया गया है और टैक्सेबल भी दिया गया है। दोनों के लिए एक्सक्लूसिव जो फैब्रिक है वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उसका क्रेडिट अलग अलग हो जाएगा, बट कॉमन क्रेडिट जो है थ्रेड और लाइनिंग, उन दोनों का हमें दे रखा है 20,000 रुपये। उसमें से हमको अलग करना है एलिजिबल कितना है, इनएलिजिबल कितना है। सो ऑब्वियसली जो एग्जम्प्ट है, यूनिफॉर्म है, उसका ITC हमको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। टर्नओवर हमको दिया गया है 4+1 टोटल 5, तो हम इस रेशियो में उसको डिवाइड कर सकते हैं। 20,000 में से अगर हम देखें तो टोटल जो 1/5 पार्ट है, मतलब कि जो एग्जम्प्ट का टर्नओवर है डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर है, दैट इज 4,000 रुपीज़, ये हमारा इनएलिजिबल रहेगा, इसका क्रेडिट हमको नहीं मिलेगा, तो ये आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा। और जो हमारा बचा हुआ रहेगा 16,000, वो हमारा एलिजिबल क्रेडिट बन जाएगा। तो बस यही सिंपल सा कैलकुलेशन है जो आपको ध्यान रखना है कि कॉमन क्रेडिट में से एग्जम्प्ट का पार्ट हट जाएगा, लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा और बचा हुआ पार्ट हमारा एलिजिबल क्रेडिट बन जाएगा। और ये हमने क्वेश्चन नंबर 14 के हिसाब से देखा है किस तरीके से आपको कॉमन क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, रूल नंबर 42 और 43। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 14 में देख लिया है कि रूल नंबर 42 और 43 के साथ में आप कॉमन क्रेडिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो। 42 था इनपुट और इनपुट सर्विस के लिए और 43 था CG के लिए, तो इसको हमने यूज़ करके अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट इस क्वेश्चन में देखा है।
क्वेश्चन नंबर 14 फॉर यू गाइस। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आइए देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। मिस्टर ए, अ रजिस्टर्ड पर्सन वॉज पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम अप टू 30th जुलाई। 30 जुलाई तक ये पर्सन कंपोजिशन स्कीम में था, उसके बाद में हाउएवर विद इफेक्ट फ्रॉम 31st जुलाई, एक दिन बाद से 31st जुलाई से ये पर्सन लायबल हो गया किसके लिए, नॉर्मल स्कीम के लिए। ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम, यानी कि सेक्शन नंबर 9 में आ गए भाई साहब, पहले सेक्शन नंबर 10 में थे, अब आ गए हैं 9 के अंदर। ओके, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इज ही लायबल एलिजिबल फॉर ITC। इनका कहना है कि पहले वाला जो पीरियड था वो कंपोजिशन स्कीम में था, ITC मिलता ही नहीं था, अब ये नॉर्मल स्कीम में आ गए हैं तो इनको ITC मिलना चाहिए। यस, तो हमारा आंसर तो यस है। किन किन चीज़ों का मिलेगा हमको ITC? इनपुट का जो स्टॉक रखा हुआ है, यस। सेमी फिनिश गुड्स का, यस। फिनिश गुड्स का, यस, इम्पॉर्टेंट। क्या CG का मिलेगा? यस, CG का भी इनको मिलेगा, पर 5% से रिड्यूस कर मिलेगा, हर क्वार्टर का 5% या पार्ट ऑफ द क्वार्टर का 5% आप माइनस करते जाएंगे, जो ITC बचेगा उसका क्रेडिट इनको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यही बात कहाँ पर लिखी गई है, सेक्शन नंबर 18 सब सेक्शन नंबर 1, उसके अंदर A, B, C और D ऐसे चार पार्ट थे। सी बात करता है इस वाली सिचुएशन के ऊपर जहां पर पर्सन कंपोजिशन स्कीम से लेके नॉर्मल के अंदर आ जाता है। इन दोनों ही सी और डी में आपको CG का भी यहां पर ITC मिलता है, बट 5% वाला क्राइटेरिया यहां पर चलता है। सो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यही होगा। ये सेक्शन आप कोड करिए और इतना आप लिख के आइए। सो इसी के साथ में दोस्तों हमारा ये जो चैप्टर है ITC वो खत्म होता है, और दोनों पार्ट वीडियोज़ में हमने क्वेश्चन एंड आंसर्स को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। सो अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, प्लीज़ ई कीड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।